students of 6th class. I am your new teacher of SST, myself Saina, and today we are learning about SST chapter number 1 or in the solar system. What? Or in the solar system. In previous class, you know about solar system. I had explained you, है ना? कि
Swati, a newcomer is class in class, was always inquisitive about asking the meaning of the names. वो हमेशा इच्छुक रहती थी. एक स्वाति है, उनकी क्लास में एक न्यू लड़की आई. जैसे आपकी क्लास में कोई न्यूकमर आता है, तो उनकी क्लास में स्वाति आई, तो उनकी उसका ऐसा था कि वो हमेशा किसी ना किसी से पूछ रही थी आपके नाम की मीनिंग क्या. तो शी आस्क्ड रोहिणी, उसने किससे पूछा, रोहिणी से पूछा, इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट योर नेम, तो आपके नाम के पीछे कोई रीजन है स्पेशल. तो रोहिणी ने बताया, रोहिणी वॉज पजल्ड, द क्लास टीचर केम टू हर रेस्क्यू एंड से, रोहिणी इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. तब रोहिणी को समझ में नहीं आया कि मतलब मेरे नाम के पीछे क्या है, क्योंकि उतने ही समय में उसकी क्लास टीचर आई और उन्होंने बताया कि रोहिणी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार का नाम है. एवरीबॉडी वाज अमेज्ड, सब हैरान हो गए कि ये सच में कोई ग्रुप है स्टार का. ऑल द स्टूडेंट बिकेम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट स्टार्स. इससे उन्हें समझ में आया कि मतलब स्टार्स का एक बंच है जिसका नाम रोहिणी है, तो हमें स्टार्स के बारे में और जानना चाहिए. तो अब हम भी इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए इसके बारे में और जानेंगे. There are many shining bodies visible during a clear night sky. जब रात को आसमान साफ होता है तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, जिसे हम celestial body के नाम से यहाँ पर represent कर रहे हैं. Some of these shining bodies are stars. कुछ इनमें से तारे होते हैं. They are huge balls of hot gases. ये क्या है? एक बहुत बड़े hot gases हैं, गरम-गरम gases की एक वो है objects हैं. They are very hot and give out their own light and heat. स्टार्स की क्या होती है? अपनी लाइट और अपनी हीट. तो ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में. दिस सेलेस्टियल बॉडीज हैव ग्रेट मास एंड एग्जर्ट अ पुल कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इन बॉडीज के अंदर एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को, मतलब जैसे आपको पता है कि सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, ये हमारे बीच में सन है, इसके चारों तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सब क्या है, राउंड लगा है. तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा चाहिए कि सबको बांधे रखता है, क्योंकि आपको पता है स्पेस तो बहुत बड़ा है और स्पेस में कितने हजारों चीजें घूमती रहती हैं. तो ये ऐसा क्या है इस सोलर सिस्टम में कि ये एक सिस्टमेटिक वे में घूम रहा है? तो ये फोर्स के बारे में आपको अब जानने मिलेगा. ये फोर्स है एक ग्रेविटेशनल फोर्स. ये वो फोर्स है जो आपको अर्थ पे स्टैंड रहने में भी मदद करती है, क्योंकि आपको पता है अर्थ इज स्फेरिकल. तो अब अर्थ स्फेरिकल है तो आपने कभी सोचा कि नहीं कि जब हम टर्न होती है तो हम क्यों नहीं हिलते, हम क्यों नहीं गिरते? तो ये इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि हमको नीचे जो पकड़ के रख रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ये नहीं होती तो हम भी अर्थ के साथ गोल गोल घूमते, अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये जो सारे मासेस में अवेलेबल, मतलब सब में, स्टार्स में होती है, जो ये सिस्टम में घूम रहा है, सब में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है. There are billions of stars in the space, but they are very far away from us.
मंडल। नाउ इसके बाद है गैलेक्सी। आप पिक्चर में देख के इजीली समझ सकते हैं कि वो बियर और सेकंड जो पिक्चर है वो क्या शो कर रहा है। गैलेक्सी में क्या है, देयर आर इन्यूमरेबल कॉन्स्टेलेशन, अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो आपको पता है कि नंबरलेस गैलेक्सी में कॉन्स्टेलेशंस होते हैं। गैलेक्सी क्या है, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स के ग्रुप्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस के ग्रुप्स को हम गैलेक्सी कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ये आपको खुद लिखना है। और गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो आपको मैंने बताया था कि गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है, कॉन्स्टेलेशंस, और इस सबको मिलाकर क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम्स, ये सब है। और ये सब एक दूसरे टुगेदर कैसे है, तो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गैलेक्सी में मिल्की वे इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा, विच मीन्स द रिवर ऑफ लाइट्स। हमारे मिल्की वे के तीन नेम है, ठीक है, क्या है, मिल्की वे, आकाश गंगा और गैलेक्सी, तीन नाम से हम इन्हें पुकारते हैं। विच मीन्स द रिवर ऑफ लाइट, आकाश गंगा मतलब एक नदी लाइट्स की। देयर आर मेनी गैलेक्सीज बिसाइड्स अवर, दीज आर सो मेनी दैट वी कांट इवन काउंट देम ऑल येट। इतने सारे हैं कि हम एक साथ गिन नहीं सकते। Can you guess which star is nearest to the Earth? क्या बता सकते हैं सबसे पास स्टार कौन सा है आपके? It is the Sun which is the nearest. ये मैंने आपको बताया सबसे पास कौन है, Sun, इसलिए हमें उसकी पूरी जो heat है, light है, वो हमें मिलती है Southern the Sun. तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों बोल सकते हैं, अरबों बोल सकते हैं ऐसे स्टार्स हैं, और इनमें से हो सकता है कि सन से बड़े भी बहुत सारे हों। तो इसमें कुछ अभी मिले नहीं है तो ना पर हम उसके बारे में जानते हैं, कुछ पता है। The sun is so hot that it gives off light and it is so huge that it pulls other celestial bodies like planets, asteroids and meteors nearer so as to orbit it.